Welcome guys in my YouTube channel. Today I am going here to talk about the elasticity. Elasticity kis cheez ko kehte hain? Elasticity hum baat karenge, types of elasticity hum baat karenge, and we will also talk about the measurement of the elasticity. What are the types by which we can measure the elasticity? So first and foremost we will talk about or we will discuss what elasticity is. Elasticity means the responsiveness. Responsiveness means the sensitiveness. Sensitiveness means effect. Effect. So what elasticity is? Elasticity in economics we are using the elasticity. Ek cheez ka effect. Kisi component ka change hona. Dusre cheez ko kitna asar karta hai. उस चीज को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, उस चीज को हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, उस चीज को हम सेंसिटिवनेस कहते हैं। तो इन इकोनॉमिक्स वी मोस्टली यूज द टर्म इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसको कहते हैं आप? व्हेन द प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी चेंजेस, व्हेन द प्राइस फ्लक्चुएट्स, इट हैज अ वेदर पॉजिटिव whether negative impact on any commodity, we said it is the elasticity. It is known as a elasticity. So mainly there are three kinds of elasticity. First is price elasticity of demand, cross elasticity, and income elasticity. So price elasticity hum kisko kehte hain? Jab price change hoti hai, जब प्राइस इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है किसी प्रोडक्ट की, तो उस टाइम पे क्या असर रहता है, क्या रेस्पॉन्स रहता है उस चीज का। मसलन अगर प्राइस इंक्रीज होगी किसी प्रोडक्ट की, मसलन इंक्रीज होगी तेल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ओनियंस की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, आलू की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि जब किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, इस प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, आलू के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आलू की डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है, ये प्राइस इसका प्राइस इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से, अगर इन आलू की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी इंक्रीज उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट होने से, इंक्रीज और डिक्रीज का डिक्रीज होने से क्या होता है, इसका असर डिमांड पे पड़ता है। तो इस चीज को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो दूसरा टॉपिक, दूसरा काइंड जो है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे लिखते हैं या अगर इसको डिफाइन भी करते हैं कि इट इज अ percentage, price elasticity is a ratio of percentage in quantity demand divided by percentage change in the price. यानी हम देखते हैं, अगर हम symbolically या numerically हमें लिखना, symbolically हमें लिखना है, वो हम लिखते हैं del Q by del P into P बटा Q. del Q क्या होता है, वो change क्या हुआ है, del Q change कितनी हुई है demand में, quantity demand में किसी particular प्रोडक्ट में, कितनी या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में कितनी चेंज हुई है वो हम लिखते हैं डेल क्यू से। फिर डेल पी क्या लिखता है, डेल पी लिखता है कि चाहे इस प्रोडक्ट की, चाहे इस कमोडिटी की क्या प्राइस डिक्रीज हुई है या प्राइस इंक्रीज हुई है, वो हम डिनोट हम करते हैं डेल पी से। इंट क्या करते हैं, इंट करते हैं पी बाई क्यू, पी बाई पी यानी प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट बट इनिशियल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्यों इज इनिशियल डिमांड क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, ये हम लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस सिंबॉलिकली। सो फिर रहा टॉपिक दूसरा काइंड ऑफ इस इलास्टिसिटी का है, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज को कहते हैं, वो है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी किसी चीज की, मसलन टी का जो है, टी चाय जो होती है उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है,
जब इंक्रीज हो गई टी की प्राइस तो इसकी डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसके प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लाइक कॉफी, टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट्स। जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है टी की, तो डिमांड कॉफी की कैसे बढ़ जाती है? इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ कैसे हो जाती है। जब टी 10 रुपये में हो जाती है, टी 10 रुपये में मिलती है, कॉफी 15 रुपये में मिलती है, अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी 15 रुपये, टी की प्राइस इंक्रीज हो गई +5 तो इज इक्वल टू अभी 15 रुपये हो गई, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे? लोग कंटिन्यूसली टी ही पीते थे, आज ये क्या करेंगे? प्रेफर कॉफी, कॉफी ही प्रेफर करेंगे। तो जब लोग कॉफी पी, कॉफी को प्रेफर किया, कॉफी को डिमांड की, तो ऑटोमेटिकली टी की थोड़ा डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और कॉफी का प्राइस, कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यह क्यों हुई? अगर टी और कॉफी है, कॉफी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? क्योंकि जो टी का, टी का प्राइस है, क्योंकि टी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ, इंक्रीमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ टी, इट लीड्स टू डिक्रीज ऑफ टी, डिमांड ऑफ टी एंड इंक्रीमेंट ऑफ, इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड ऑफ कॉफी। इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी एक चीज को यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई तो ये फर्क इसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको फर्क इसको नहीं पढ़ा, सेंसिटिविटीनेस इसमें यहाँ पे नहीं दिखाई, इसने दिखाई लेकिन क्रॉस में दिखाई, प्राइस इसका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ लेकिन फर्क दूसरे प्रोडक्ट पे पड़ा, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम सिंबॉलिकली दिखाते हैं, या हम कहते हैं इट्स अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई, यानी अगर प्राइस में कोई परसेंट, हाउ मच परसेंट आर व्हाट परसेंट ऑफ इंक्रीज प्राइस ऑफ इंक्रीज प्राइस ऑफ इंक्रीज आर डिक्रीज ऑफ प्रोडक्ट एक्स, इट अफेक्ट्स द प्रोडक्ट ऑफ वाई, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर रही बात थर्ड जो कंपोनेंट या थर्ड काइंड ऑफ इलास्टिसिटी इज, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज को हम कहते हैं? वो ये है सिंपल टर्म्स में, जब एक इंसान की इनकम इंक्रीज हो जाती है, जब एक इंसान की इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो उससे क्या असर पड़ता है डिमांड पे, उस चीज को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, या इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी क्या रेस्पॉन्स रहता है इनकम से, इनकम बढ़ने या घटने से, इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या असर रहता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या सेंसिटिवनेस बढ़ती है एक इंसान की टुवर्ड्स डेवलप, टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट, टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। यह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? इनकम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लक्जरी गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। कैसे? अगर मेरे पास इस वक्त 10 रुपया है, 10 रुपया है, अगर मेरे पास अब 100 रुपया आ गया, तो मैं कौन सी चीज़ डिमांड करूँ? मैं लक्जरी टाइप ऑफ गुड्स आई विल प्रेफर टू कंज्यूम। जब मैं लक्जरी टाइप ऑफ गुड्स आई विल प्रेफर टू, आई एम गोइंग टू प्रेफर टू कंज्यूम, टू कंज्यूम द लक्जरियस गुड्स, सो पॉजिटिव इफेक्ट है इनकम का, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। अगर मेरी इनकम घट जाती तो मेरी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती। तो ये था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, ये था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ले आऊँगा मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपको मदद देगी, जो आपको हेल्प करेगी फर्दर बड़े बड़े इकोनॉमिक टॉपिक्स को समझने में। Thank you.